हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सुनील और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल सऊडो स्विच। तो आज है मेरे पास में हीरो की स्प्लेंडर प्लस, जो कि BS6 21 मॉडल है। तो इसके अंदर एक प्रॉब्लम आ रही है, जो कि इसके अंदर RPM है वो काफ़ी हाई है। इस सर्विस सेंटर के पास में गए थे तो क्या, अभी सर्दियों के मौसम में, तो उसने क्या किया, जो थोड़ा RPM है इसका हाई कर दिया। तो अब इसके बाइक के अंदर प्रॉब्लम ये आती है, जैसे कि ये बाइक अब चल के आई है, जैसे कि इसका देख लीजिए आप, साइलेंसर काफ़ी आवाज़ कर रहा है। तो अब जैसे ही चल के आइए, बाइक को रोकते हैं और फिर स्टार्ट करते हैं, तो RPM काफ़ी हाई रहता है। इसी प्रॉब्लम के लिए मेरे पास में आई है, तो आज हम इसका RPM सेटिंग करेंगे। तो आपको हम बताएंगे, आप घर पे भी इसका RPM सेट कर सकते हो, किस टाइप से करना है। तो अब इसके अंदर आप देख लीजिए किस टाइप से RPM है। ये देख लीजिए, स्टार्ट की तब थोड़ा कम था, अब जैसे ही मैंने इसका एक्सलेटर लेके थोड़ा छोड़ा, फिर RPM बढ़ गया। अब इसको सेटिंग कैसे करता है वो आपको बताऊंगा। तो करते हैं वीडियो शुरू। वीडियो आपको अच्छी लगे लाइक कर दे, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो अब इसका सेटिंग किस टाइप से करता है वो आपको दिखा देता हूँ। तो इसका सेटिंग काफ़ी थोड़ा चेंज है, जो पहले वाला सेटिंग था जो कि BS4 के अंदर, उससे अलग है। तो BS4 में देख लीजिए, ये इस टाइप से कार्बोरेटर आता था, इसके ऊपर ये माइलेज का था, और ये जो RPM का सेटिंग, इससे हम आसानी से घर पे भी कर सकते। परंतु ये BS6 का मॉडल है, इसके अंदर थ्रोटल बॉडी होती है, उसको कैसे सेटिंग करते हैं वो आपको दिखा दे। तो सबसे पहले इसको सेटिंग करने की क्या करें, आप पहले बाइक को स्टार्ट कर दे। तो मैं बाइक को स्टार्ट कर दे, तो पहले आपको वो जगह बता दे जहाँ पर सेटिंग करना है, और फिर बाइक को स्टार्ट करेंगे। तो आप हो सके तो इसका जो ये यूटिलिटी बॉक्स आता है इसको खोल दे। अगर खोलने का आपके पास में टूल नहीं है तो भी आप कर सकते हो। तो क्या है, आपको ये यूटिलिटी बॉक्स है, इसके नीचे की साइड में आपको दिखेगा ये जो आपको ये वाला दिख रहा है, यहाँ पे क्या है, एक्सीलेटर केबल लगती है। जैसे ही हम थ्रोटल को खींचते हैं, देख लीजिए ये पोजीशन चेंज करेगी, ये इस टाइप से। यहाँ पे सेटिंग करेंगे तब हमारा ये क्या है, जो RPM है वो कम ज़्यादा हो सकता है। अब इसका सेटिंग क्या है, किस टाइप से, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देख लीजिए, ये जो हमने अभी एक्सलेटर लेके उठाया है, अब ये नीचे जाएगा, अब थोड़ा ये पूरा नीचे जाना चाहिए, परंतु ये नीचे जा नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक इसका ये देख लीजिए, जो पल्सर के अंदर सिस्टम आता था जैसे कि साइन के अंदर, इसी टाइप से इसके अंदर सिस्टम दिया हुआ है। और उसको क्या, इसको हम ज़्यादा थोड़ा, अब इसको मैंने खोल के रखा है क्योंकि ये आपको दिखाने में काफ़ी प्रॉब्लम होगी, इसके अंदर सेटिंग करता है वो भी दिक्कत होगी, ये किससे खोल रहा है ये भी। अब इसको क्या करते हैं, हम जैसे ज़्यादा टाइट करेंगे तो RPM बढ़ता जाएगा, ज़्यादा टाइट करेंगे RPM बढ़ेगा। अब इसको हम जैसे खोलेंगे ये RPM घटेगा। अब इसको हम बाइक को स्टार्ट करते हैं, फिर इसको बताए। तो इसको खोलते कैसे वो आपको दिक्कत, अगर आपके पास में 2 नंबर की एलंकी हो तो खुल जाएगा, अगर 2 नंबर की एलंकी नहीं है तो आपको ये यूटिलिटी बॉक्स खोल के एक प्लेयर की मदद से भी आप इसको खोल सकते हैं। हम बाइक को स्टार्ट करते हैं, अब देख लीजिए RPM ज्यादा है। अब हम इसको यहां तक सेट कर देंगे, अब मैंने आपने सुना होगा आवाज़ यहाँ पे सेट कर दिया, तो अब क्या ज़्यादा आवाज़ भी नहीं बढ़ेगी, और जब हम बाइक को गर्म होगी तब ला के रोकेंगे तो भी इसके वही आवाज़ में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो यहाँ पे सेट कर गए, जब इस एलन की है इसको, ये जो पॉइंट है इसके अंदर लग जाएगा रखे, और एक प्लेयर से इसका अंदर जो है टाइट करना पड़ेगा। तो कर देते टाइट, ये इस प्रकार होगा। तो बस ये वीडियो मैंने आपको बताने के लिए करा है, क्योंकि आप भी अगर आपके पास में ऐसी कोई प्रॉब्लम आ जाए तो आप सेटिंग कर सकते हो। तो करते हैं वीडियो को एंड, आपको वीडियो कैसी लगी मेरे को कमेंट करके जरूर बता देना। तो मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ अगली वीडियो के अंदर, जब तक के लिए जय हिंद।